नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। IBS के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अप्रैल मंथ के फोर्थ वीक के इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस, जो आपके आने वाले सारी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ये जो वीडियोज है गाइज, वो बायलैंग्वल होंगी, जिसके अंदर क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे और उन क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन होंगी वो हिंदी में होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इस तरह की और भी ढेर सारी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो वीडियो अपलोडेड हो या अपलोड हो उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। और आप हमें अदर सोशल मीडिया साइट पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडी। यहाँ इस चैनल पे आपको गाइस अदर जो मटेरियल है एग्जाम रिलेटेड वो मिल जाएंगे, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश या करंट अफेयर या जो करंट एग्जाम्स आ रही हैं उसके रिगार्डिंग जो भी मटेरियल्स हैं वो आपको मिलती रहेंगे। आप हमें दूसरी सोशल मीडिया साइट पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स के बुलेटिन्स मिलेंगी और साथ ही साथ उस पर आपको डेली क्विजेस भी मिलेंगे, ताकि जो आपकी नॉलेज को है वो इंक्रीज करने में बहुत ही हेल्पफुल हो। आप हमें हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का नाम है IBS Academy, जिसके अंदर आपको जो न्यूज़ आएगी, जो रिसेंट की जो न्यूज़ आएंगी उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो आइए गाइस, हम वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेम द टेक जायंट कंपनी विच हैज एक्वायर्ड 9.99% स्टेक इन अ रिलायंस जियो फॉर ₹43,575 करोड़, द लार्जेस्ट FDI इन टेलीकॉम सेक्टर। तो कौन सी ऐसी जायंट कंपनी है जिन्होंने रिलायंस जियो के 9.99% जो स्टेक है वो परचेस कर लिए हैं, वो भी कितने में गाइस, 43,574 करोड़ में। ये जो अमाउंट है गाइस वो लार्जेस्ट FDI है टेलीकॉम सेक्टर में, ठीक है गाइस। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिन्होंने एक्वायर किया है, फेसबुक ने रिलायंस के 9.99% स्टेक जो है वो एक्वायर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच अमाउंट इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड टू एंटीगुआ आइलैंड एज प्रोजेक्ट आउटले। प्रोजेक्ट आउटले के तौर पे एंटीगुआ आइलैंड के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट अप्रूव किया है, तो आंसर है गाइस $1 million। $1 million का जो अमाउंट है वो अप्रूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया इज गोइंग अहेड विथ $2.3 billion डील टू मैन्युफैक्चर फ्लीट सपोर्ट वेसल इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री। ये जो इमेज गाइस आप देख रहे हैं ये एक फ्लीट सपोर्ट वेसल है। ऐसी पांच वेसल के मैन्युफैक्चर के लिए 2.3 billion की जो डील हुई है वो एक कंट्री के साथ हुई है। तो कौन सी कंट्री है गाइस, टर्की के साथ ये डील फाइनल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज फ्रोजन विच अलाउंस फॉर 1.1 crore एम्प्लॉयज एंड पेंशनर ड्यू फ्रॉम January 1, 2020 टू फाइट कोविड 19 से लड़ने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है, ध्यान दीजिएगा गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर काम करता है, तो उन्होंने क्या किया है कि लगभग 1.1 crore एम्प्लॉयज के जो अलाउंस है और पेंशनर है उनकी जो अलाउंस है उसको फ्रीज कर दिया। तो कौन सी ऐसी अलाउंस है गाइस, जब कोई भी एम्प्लॉय होता है तो उसको अलग अलग टाइप की अलाउंस मिलती रहती है, जैसे ट्रैवल अलाउंस हो गए, रेंट अलाउंस हो गए, आपके डीएलएंस अलाउंस हो गए, डीएलएंस रिलीफ हो गए और भी अदर अलाउंस मिलती रहती है। तो ये जो अलाउंस है उसको फ्रीज कर दिया गया है। तो कौन सी दो अलाउंस को फ्रीज किया गया है गाइस, डीएलएंस अलाउंस एंड डीएलएंस रिलीफ, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को। अब ये डीएलएंस रिलीफ जो है, महंगाई जो राहत है वो पेंशनर के लिए होती है और एम्प्लॉयज के लिए महंगाई भत्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। नेम द कंपनी विच हैज एक्वायर्ड 3.36% शेयर इन हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने 3.36% जो शेयर है वो हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस के अंदर के जो है वो एक्वायर कर लिए हैं। तो कौन सी कंपनी ने गाइस एक्वायर किए हैं, अशोक लेलैंड लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलेडियम इन्वेस्टमेंट एंड एफिलिएटेड ऑफ सोवेरियन वेल्थ फंड GIC, इस फंड के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि सोवेरियन वेल्थ फंड होता क्या है। ऑफ विच कंट्री हैज इंक्रीज इट्स स्टेक इन कोलकाता बेस्ड बंधन बैंक बाय 1%।
रिसेंटली। तो जो कैलेडियम इन्वेस्टमेंट है वो किससे रिलेट करता है गाइस? सोवेरियन वेल्थ फंड से, जो कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है जिन्होंने बंधन बैंक के अंदर 1% के जो शेयर हैं वो इंक्रीज कर लिए हैं। अब ये गाइस, पहले इनका जो शेयर था वो 3.39% का था, अब वो बढ़ करके 4.49 हो गया है। तो ये जो अब हम आते हैं गाइस कि सोवेरियन वेल्थ फंड होता क्या है। आप सभी ने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है गाइस कि जिस तरह से हम अलग अलग टाइप के लोगों से पैसे इकट्ठे करके हम पूल इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हम एक जगह पैसे डालते हैं और उसके बाद जो ग्रोथ होता है वो हम जो हमारे लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे लिए हैं उनमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड आएगा गाइस। उसी तरह से जब कंट्रीज मिल करके पैसे पूल इन्वेस्टमेंट करती हैं ताकि जो मार्केट की जो करंट अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर सकें, तो वो जो फंड होता है वो सोवेरियन वेल्थ फंड होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, तो ये जो कैलेडियम इन्वेस्टमेंट है ये कौन सी कंपनी से बिलोंग करती है गाइस? सिंगापुर से ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द फर्स्ट नॉन बैंक कंपनी विच गेट्स आरबीआई नोट टू एंटर इनटू द को ब्रांडिंग अरेंजमेंट फॉर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने आरबीआई की तरफ से हरी झंडी मिल गई है को ब्रांडिंग अरेंजमेंट के लिए? किसके लिए को ब्रांडिंग अरेंजमेंट करेंगे? वो भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए। अब इसमें दो वर्ड है गाइस, को ब्रांडिंग और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं को ब्रांडिंग क्या होता है। को ब्रांडिंग का मतलब होता है कोई भी दो कंपनी या कोई भी दो या दो से ज़्यादा कंपनी या ब्रांड मिल करके किसी एक चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, तो उस प्रोडक्शन के लिए जो भी अरेंजमेंट होती है वो जो होता है वो को ब्रांडिंग कहलाता है। अब प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है गाइस? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जैसे कि गाइस आपकी जो मोबाइल अकाउंट हो गए आपके, या तो आपका हो गया स्मार्ट कार्ड्स हो गए, या ऑनलाइन वॉलेट हो गया, मोबाइल अकाउंट हो गया, या आपका इंटरनेट अकाउंट हो गया, मोबाइल वॉलेट हो गए। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होती हैं। आपको नाम से पता चल जाएगा गाइस कि ये प्रीपेड है, ये क्रेडिट बेस पे वर्क नहीं करती, ये आपको पहले से ही पे करना होता है, प्रीपेड है। अगर आप जितना पे करोगे उतना आप यूज़ कर पाओगे। तो ये कौन सी कंपनी को हरी झंडी मिली गाइस? ट्रांसकॉप इंटरनेशनल लिमिटेड। अब ये कंपनी काम क्या करती थी पहले जो ये कंपनी काम करती थी फॉरेन एक्सचेंज का काम करती थी। जो बाहर से जो फॉरेन से जो रेमिटेंस आते थे उसको इंडियन अमाउंट में, या तो इंडिया से जो फॉरेन में अमाउंट जो ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसका एक्सचेंज का काम करती थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। व्हाट इज इंडियाज ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एज पर द एस्टिमेशन ऑफ केयर रेटिंग्स? केयर रेटिंग्स के हिसाब से जो जीवीए होगा वो इंडिया का कितना परसेंट होगा? कितना होगा गाइस? 1.4%। अब देखते हैं, जरा से देखते हैं इसके अंदर कि जीवीए होता क्या है। जैसे आपने जीडीपी सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसी तरह एक नया टर्म है जीवीए। जीवीए क्या होता है गाइस? जैसे कि हम एग्जांपल फॉर्म में आपको देता हूँ, एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको चीज़ें क्लियर होंगी। कि जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि हम एक साइकिल का निर्माण करेंगे, ठीक है, हम साइकिल बनाते हैं। तो साइकिल बनाने के लिए क्या होता है कि गाइस कि हमको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, ठीक है। रॉ मटेरियल के साथ साथ हमको उसकी पैकिंग करने के लिए हमें फुट्टे और ये जो कागज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, पेपर्स की ज़रूरत होती हैं, फिर जो रबर की ज़रूरत होती है जिसके अंदर हम ट्यूब बनाएंगे, रॉ मटेरियल्स के अंदर हमको स्टील की ज़रूरत होती है, लोहे की ज़रूरत होती है हमको। तो ये सब जो मिला करके जो हम बनाते हैं तो हमको एक साइकिल का निर्माण होता है। तो जैसे कि मैं मानता हूँ कि रॉ मटेरियल की कीमत है 100 रुपये, पेपर की कीमत है 50 रुपये, और जो रबर की कीमत है वो 50 रुपये। तो ये तीन मिला करके हमारा जो साइकिल वो रेडी हो जाता है 200 रुपये में, ठीक है गाइस। अब ये 200 रुपये में रेडी हो जाता है, इसके बाद इसके ऊपर टैक्स लगते हैं, ठीक है, ये मतलब जीएसटी लग गया आपका, ठीक है। जीएसटी आपका लग गया, मानते हैं 100 रुपये लग गया, एग्जांपल फॉर 100 रुपये लग गया। तो जो टोटल आपकी अमाउंट हो गई वो 300 रुपये होगी। तो ये जो 300 रुपये ये कस्टमर खरीदेगा इसमें, ठीक है, इसमें आपका कस्टमर खरीदेगा। तो ये जो हो गई आपकी जीडीपी हो गई। तो
जीवीए के जो फुल फॉर्म जीवीए होता है वो हम काउंट कैसे करते हैं गाइस, जीडीपी माइनस टैक्स, वो आपका हो जाएगा जीवीए। अब हमारी जीडीपी कितनी थी गाइस, 300 माइनस टैक्स हमने कितना भरा, 100 रुपये। तो हमारी जो जीवीए होगी वो कितनी हो जाएगी गाइस, 200 रुपये। इसको जो काउंट करने का जो तरीका होता है वो बहुत सारी अलग अलग होता है, जैसे कि आप अपना पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट भी प्लस कर सकते हो तो भी आपका जीवीए हो जाएगा, या तो आप जो भी आपका जो जीडीपी हो गया, जो हमने तरीका बताया है कि जीडीपी है उसमें से माइनस कर देंगे आप अपने टैक्सेस को तो वो आपका ये हो जाएगा। तो और भी अलग अलग तरीके दिए हुए हैं जीवीए के, अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं और अलग अलग जो डेफिनेशन दी हुई है। तो जो बेसिक डेफिनेशन आपको आप कह सकते हो वो ये होती है कि आपका जो जीडीपी होता है उसमें आपने जो जो भी टैक्सेस भरे हैं वो माइनस कर दो तो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगी। बेसिकली आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना होगा कि ये सप्लायर के साइड का होता है और ये जो होता है वो कस्टमर के साइड का होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज रिपोर्टेड दैट द डेवलपिंग कंट्रीज रीपेमेंट ऑन देयर पब्लिक एक्सटर्नल डेब्ट्स विल इंक्रीज बिटवीन 2.6 ट्रिलियन एंड 3.4 ट्रिलियन इन 2020 एंड 2021। मतलब जो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो जो उनका जो रीपेमेंट्स है वो जो एक्सटर्नल जो डेब्ट्स है उनका जो रीपेमेंट्स के वो इंक्रीज हो गए हैं, कितने से, 2.6 ट्रिलियन और से 3.4 ट्रिलियन में 2020 से 2021 में। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट बताई है, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन्होंने ये बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ विच आरबीआई हैज ओपन स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड फ्रॉम अप्रैल 27 टू मई 11, 2020। अब आरबीआई ने एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड की है म्यूचुअल फंड्स के लिए। आपने भी आपको पता होगा गाइस कि म्यूचुअल फंड की जो अभी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसके जो डेब्ट फंड है और जो म्यूचुअल फंड के जो ग्राहक है, जो कस्टमर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने पैसे को रिडम्पशन कर रहे हैं, अपने पैसे को निकाल रहे हैं। तो ये जो इंस्टेबिलिटी आई है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो उस इंस्टेबिलिटी को बराबर करने के लिए, वो जो अस्थिरता आई है उसको स्थिर करने के लिए आरबीआई ने एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। तो वो कितना अमाउंट प्रोवाइड किया है गाइस, वो किया है 50,000 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक विच हैज एक्वायर्ड 4.43% स्टेक इन द रिलायंस कैपिटल फॉर रुपीज 252 करोड़। रिलायंस कैपिटल के अंदर 6.43% का जो स्टेक है वो कौन सी प्राइवेट सेक्टर बैंक ने लिया है, कितने का गाइस लिया है, 252 करोड़ का। तो कौन से बैंक ने लिया है गाइस, एचडीएफसी ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द अमाउंट इंडिया होल्ड्स यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज ऑन एंड ऑफ फेब 2020 रिकॉर्ड द हाईएस्ट वैल्यू एज पर द यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी डिपार्टमेंट। मतलब अभी तक में इंडिया ने जो यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ है गाइस, हर एक देश का अपनी अपनी सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो अदर कंट्रीज़ होती हैं वो उस देश की सिक्योरिटी खरीदते हैं। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है वो श्रीलंका भी खरीदती है, नेपाल भी खरीदती है। तो अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ परचेस करती हैं। तो इंडिया ने यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के कितने अमाउंट फैब 2020 तक कितने अमाउंट उन्होंने होल्ड किया है, तो कितना अमाउंट होल्ड किया है गाइस, 177.5 बिलियन डॉलर। ये अभी तक की हाईएस्ट वैल्यू है इंडिया के लिए। क्या गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द कंट्री विच हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1.268 ट्रिलियन। इंडिया तो 177.5 बिलियन पे है, 1.268 ट्रिलियन की जो सिक्योरिटीज़ है वो कौन सी कंट्री ने ली है। इंडिया जो है वो 13 रैंक पे है, वो भी 177.5 बिलियन जो लिया है। ये जो कंट्री है इन्होंने 1.268 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया है यूएस गवर्नमेंट के सिक्योरिटी पे, तो कौन सी कंट्री है गाइस, जापान। जापान का सबसे ज़्यादा यूएस गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है उसमें इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द ग्रांट
that was approved to give to India as loan by Asian Development Bank to combat COVID-19. COVID-19 जो कोरोना वायरस है, जो उसके जो डिसीज है, उससे निपटने के लिए एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को कितने का लोन अप्रूव किया है? कितने का लोन अप्रूव किया गाइस? 1.5 बिलियन डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक विच हैज एक्वायर्ड एडिशनल 29% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस फॉर 1592 करोड़ अप्रोक्सली। मतलब मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में कौन सी कंपनी ने 29% जो स्टेक है वो एक्वायर कर लिया है? कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक ने एक्वायर किया है? एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के इतने परसेंट का स्टेक जो है वो एक्वायर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। रिसेंटली इन अप्रैल 2020 इंडिया हैज एक्सटेंडेड $150 मिलियन फॉरेन करेंसी स्वैप सपोर्ट टू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्री। कौन सी कंट्री से फॉरेन करेंसी जो स्वैप है उसका जो सपोर्ट है वो एक्सटेंड कर दिया है $150 मिलियन से अप्रैल में। तो कौन सी कंट्री से गाइस? मालदीव्स। मालदीव्स के साथ ये जो अमाउंट जो एक्सटेंड किया है $150 मिलियन का, वो मालदीव के साथ किया है इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड टू प्रोवाइड $346 लोन ऑफ विच स्टेट टू प्रोवाइड द बेटर पावर कनेक्शन इन रूरल एरिया। जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसके जो पावर कनेक्टिविटी है उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कौन से स्टेट के पावर, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके पावर कनेक्टिविटी के लिए पैसे दिए हैं? कितने दिए हैं गाइस? $346 का जो लोन दिया है, $346 मिलियन का लोन दिया है। तो कौन से स्टेट है गाइस? महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों के पावर कनेक्शन को बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द फॉर्मर फाइनेंशियल सेक्रेटरी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड फॉर 3 ईयर्स। पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के जो जो चेयरमैन हैं वो किन्हें चुना गया है? वो हमारे फाइनेंशियल सेक्रेटरी थे। आप इनका चेहरा देख सकते हैं, ये अगर आपको जाने पहचाने भी लग रहे होंगे, अगर आप पहले से अगर आप थोड़ी सी डिटेल रखते होंगे तो ये हमारे जो पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, ये हमारे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अब इन्हें पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है, वो भी 3 साल के लिए। तो इनका नाम है गाइस राजीव कुमार। राजीव कुमार जी ये जो है वो हमारे पहले फाइनेंशियल सेक्रेटरी थे। तो आशा करता हूँ गाइस कि ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो। मैं आपको इसी तरह का कि ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और साथ ही साथ आप हमारे आप मुझे टेलीग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं, जिसके अंदर जो भी आपको डाउट हो या आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज भेजिए, हमारे पेज को लाइक करिए ताकि आपको और भी डिटेल्स मिलती रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए जिसमें आपको न्यूज़ मिलती रहेंगी और साथ ही साथ और भी डिटेल्स मिलती रहेंगी, जो रिसेंट जो वैकेंसीज आने वाली हैं या गवर्नमेंट ने जो भी कदम उठाए हैं उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल मिलती रहेगी। प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जिसमें आपको अदर जो स्टडी मटेरियल हैं वो मिलते रहेंगे, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर हो गया, या जो करंट एग्ज़ाम्स आने वाली हैं उनके रिगार्डिंग जो मॉक पेपर्स होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी रुके ना गाइस। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।